रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कंपनी का दावा है कि अगले 2 साल के अंदर वो कर्ज से मुक्त हो जाएगी। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में हुई घोषणाओं के बाद मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर कंपनी के भारी कर्जे के चलते कंपनी को लेकर काफी संकोच में थे। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,54,478 करोड़ रुपए के कर्जे में है। ऐसे में हुई मंगलवार को कंपनी की 22वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने अगले 18 महीने में कंपनी को कर्ज फ्री करने और प्रॉफिट में बढ़ोतरी से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं की। रिलायंस ने अपनी ऑयल टू केमिकल कंपनी को 20% शेयर सऊदी की अरामको कंपनी को बेचने का फैसला किया है। अरामको के साथ इस डील में रिलायंस को सीधे 1,10,000 करोड़ का फायदा होगा, जिससे रिलायंस अपना कर्ज चुकाएगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो मंगलवार को कंपनी के शेयर में लगभग 11% का उछाल देखने को मिला है। रिलायंस कंपनी के 2018-19 के अर्निंग पर शेयर पर नजर डालें तो 2018 में अर्निंग पर शेयर 7.9 रुपये था, जो 2019 में 66.8 हो गया है, यानी इसमें 9.6% की बढ़ोतरी हुई है। मुकेश अंबानी ने रामको को 20% स्टॉक्स बेचने के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल के लॉन्च और रिटेल में भी इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। कहा जा रहा है कि टेलीकॉम के बाद अब ब्रॉडबैंड और डीटीएच में भी प्राइस वॉर शुरू हो सकती है। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।